हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए राजमा की रेसिपी, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। और वो भी मैं बताऊंगी आपको कि कुकर के अंदर आपको कैसे बनाना है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगी। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर राजमा बनाते हैं तो आज राजमा आपकी बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जब भी राजमा बनाने जाएं तो रात भर उसे पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है। अगर जल्दी में बनाना है तो आप गर्म पानी में भिगो के उसे 4-5 घंटे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रात में ही राजमा भिगो लिया था, सुबह में ये फूल गया है अच्छे से। अब इसका पानी निकाल के मैंने इसे कुकर में डाल दिया है। कुकर में हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है क्योंकि हमें इसे अभी सीटी देना है। तो कुकर में थोड़ा सा पानी भी डाल लिया है मैंने, और इसमें मैं डालूंगी अब थोड़ा सा नमक। अब कुकर को बंद कर देंगे। अब बंद करके कम से कम 5 से 6 सीटी देना है क्योंकि ये रेड वाला राजमा है। अगर वाइट वाला राजमा है तो वो आप 2-3 सीटी भी देंगे तो वो उबल जाएगा। ये रेड वाले राजमे में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 5-6 सीटी मेरी आ गई है, मैंने गैस बंद कर दिया है। तो चलिए अब ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे राजमा अच्छे से फूल गए हैं। तो आप एक राजमा लेके चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे तोड़ने पे टूट जा रहे हैं, इसका मतलब कि राजमा अच्छे से बॉइल्ड हो गए हैं। तो इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं अलग से एक बाउल में। हमें पानी के साथ ही ट्रांसफर करना है, ऐसा नहीं है कि पानी अलग से निकालना है, राजमा अलग से निकालना है। तो चलिए अब इसकी ग्रेवी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिया है 2 मीडियम साइज का, 10 से 12 गार्लिक लिया है, 2-3 गिंजर लिया है और 5 से 6 हरी मिर्च। इन सब को मैं मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड करूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राइंड हो गया है। तो चलिए अब क्या करना है वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही कुकर ले लिया है, कुकर में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। तेल जब गरम हो जाए तो हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि 1 चम्मच जीरा, 1 दालचीनी का स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 1 छोटी इलायची। बड़ी इलायची और लौंग ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे जब तक इन खड़े मसालों में से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। जब रोस्ट हो जाए तो हम इसमें प्याज का जो हमने पेस्ट रेडी किया था वो हम ऐड कर देंगे, और इसे हमें धीरे धीरे पकाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें पकाना है। प्याज का गोल्डन ब्राउन होना बहुत जरूरी है। और अब ले लेंगे हम टमाटर। तो ये चॉप टमाटर है, इसे भी हमें फाइन पेस्ट रेडी करना है। तो मैंने इसे भी मिक्सर जार में डाल लिया है और इसे मैं ग्राइंड करूंगी। जब प्याज थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको टमाटर प्यूरी को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे मिलाते हुए भी कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच राजमा मसाला। अगर राजमा मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब इन मसालों को मिला लेना है और 2-3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, जब तक कि इसमें से तेल हल्का हल्का सा ना निकल जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा तेल साइड साइड में छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे राजमा जो हमने बॉइल्ड करके रखा हुआ था। आपको पानी के साथ ही इसे डाल देना है क्योंकि आप राजमा सिर्फ डालेंगे और इसको फिर पकाएंगे तो राजमा टूटने का भी डर होता है वैसे। तो पानी के साथ ही इसे डालें जिससे कि राजमा आपके टूटे ना। अब इसे डाल दिया है हमने, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करें क्योंकि हमने पहले भी पानी में भी थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको ग्रेवी थोड़ा लग रहा है कि कम है तो आप ऊपर से थोड़ा सा पानी इस टाइम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सब रेडी हो गया है। अब कुकर को बंद कर देना है और 1 से 2 सीटी दे देंगे। यहाँ पे सीटी आ गई है, गैस को बंद कर देना है।
गैस को बंद करने के बाद हमें सीटी जबरदस्ती नहीं निकालना है, जब तक वो खुद से ठंडा ना हो जाए और अपनी सीटी ढीली ना हो जाए, ढक्कन अपने आप इजीली ओपन हो जाए, तब तक हमें जबरदस्ती उसका गैस अंदर का नहीं निकालना है। तो थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए तो आप ओपन करें। तो देखिए यहाँ पे राजमा बनके रेडी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी इसका आया है और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो आप भी इस मेथड से ट्राई करें, कोई दिक्कत आपको आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही सिंपल और इजी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको राजमा कैसे बनाना है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, राजमे दो तरह के होते हैं, एक सफ़ेद कलर का होता है और एक रेड कलर का होता है। अगर सफ़ेद कलर वाला राजमा आप मार्केट से लाए हैं तो वो जल्दी गल जाता है, उसमें कम सीटी दें बॉईल करते समय, और अगर रेड वाला राजमा है तो उसमें डबल सीटी दें क्योंकि उसको गलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। राजमा जब अच्छे से गलेंगे तभी आपकी राजमा अच्छा बनेगा। तो इम्पॉर्टेंट बात कि राजमा जब भी आप बॉइल्ड करें तो उसका पानी फेंके ना, उसको ग्रेवी के लिए यूज़ करें क्योंकि उसी में सारा राजमे का फ्लेवर रहता है। अगर आप उसे फेंक देंगे तो राजमे का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आपको राजमा गरम गरम खाना है, वो भी चावल के साथ। अगर चावल आप नहीं खाना चाहते हैं तो आप पराठों के साथ ज़रूर खाइए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं आपको अपने इंटरेस्टिंग वीडियोस पहुंचाती रहूं। नहीं